सो बडी इज़ बैक विद आर अनदर एनालिसिस वीडियो. सो गाइस, आज का एनालिसिस अपना होने वाला है कॉर्क डीलैग. यप, सही सुना, कॉर्क डीलैग. सो देखते हैं कि इसमें कॉर्क डीलैग को कैसे परफॉर्म किया गया है, देन आपको कैसे करना है, और कुछ टिप्स भी रहेंगी जो कि मैं आपको प्रेफर करूँगा. आई थिंक वो प्रेफरेंसेस मेरे हेल्पफुल रहेंगे, और हेल्पफुल रहेंगे तो कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छा सा फीडबैक छोड़ते हो जाना, एंड होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा. सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना. और हाँ, वीडियो देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि रोज़ आपको ऐसे एनालिसिस वीडियो मिलते रहे और आप डे बाई डे इम्प्रूव करते जाओ. सो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट इनटू इट. बडीज एज यूजुअल, सबसे पहले चलते हैं अपन टेक ऑफ की तरफ. सो देखते हैं कि इसमें टेक ऑफ कैसे करा जाना है और आपको कैसे करना है, और कुछ मैं प्रेफर करूँगा सो वो भी इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, सो चलो देखते हैं कि इसमें टेक ऑफ कैसे किया जा रहा है. ओके, सो वी आर ऑन टेक ऑफ पोजिशन. सो गाइज, सी यहाँ देखो क्या किया जा रहा है कि TDR लिया. आप कोई से भी सेटअप से कर सकते हो, मास्टर स्कूट से कर सकते हो, स्कूट से कर सकते हो, और विदाउट सेटअप भी कर सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो कि एज आई हैव डिस्कस्ड इन माई डबल कॉर्क, जैसे मैंने डबल कॉर्क में बताया था आपको कि स्विंग इज़ लाइक मैंडेटरी है, वो आपको करना ही करना है अगर आप कॉर्क के लिए जा रहे हो तो. क्योंकि क्या है, अगर आप स्विंग नहीं करोगे तो वो आपको उतनी पावर नहीं मिलेगी जितनी एज़ यूजुअल कॉर्क में मिलती है, और आप वो पावर कभी फिर फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एक स्विंग की पावर होती है वो अलग ही होती है. ठीक है, स्विंग और हॉप दोनों होता है इसमें, और अगर हम फुल की में जाते हैं, फुल में डीलैग जाते हैं, सो उसमें हमें सिर्फ हॉप हॉप लेना होता है, और जो हमारे सेटअप से पावर मिलती है वो. यहाँ हमें एक स्विंग एक्स्ट्रा पावर के लिए हम कॉर्क में यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है. ठीक है, पूरे पूरे एडवांटेजेस लेने हैं, स्विंग को जाने देना है एंड तक, जहाँ तक कि आपका स्विंग आता है, आपके वेस्ट तक आपको आने देना है, देन आपको अपना ग्राउंड छोड़ना है. ठीक है, ग्राउंड छोड़ना है, उसके बाद ही आपको कोई सा भी मूव इनिशिएट करना है, चाहे वो डबल कॉर्क हो, चाहे वो ट्रिपल कॉर्क हो, या डी लैग हो, शुरिकेन हो, एट्सेट्रा कुछ भी. ठीक है, सो ये चीज़ आप ध्यान में बिठा लो, माइंड में बिठा लो, और इस चीज़ की प्रैक्टिस एकदम से नहीं होएगी, आई नो, क्योंकि मैंने भी करी है, मेरे से भी नहीं हुई थी ये. धीरे धीरे जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको आपकी बॉडी अडेप्ट करती जाएगी. बट आप ऐसा सोचो कि आज आप ट्राई कर रहे हो जाए या एक हफ्ते में हो जाए, नहीं, इट टेक्स टाइम. ठीक है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम. सो टेक ऑफ का पार्ट कंप्लीट हुआ, नाउ देन चलते हैं मिड पार्ट. सो बडीज मूव ऑन मिड पार्ट. सो लेट्स सी, देखते हैं. सी गाइस, अभी यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ आपको मतलब बेसिकली जो करना होता है मैंडेटरी जो है डीलैग करने के लिए, कि डीलैग कैसे बनता है. सो आपको इस पॉइंट पर आकर आपको अपने दोनों लेग्स को अपनी तरफ पुल करना है. क्या करना है, अपनी तरफ पुल करना है, और अपनी चेस्ट को अपने लेग्स की तरफ पुश करना है. ठीक है, लेग्स को पुल करना है, चेस्ट को पुश करना है, जिससे कि आपका एयर में वी शेप जो होता है वो बने. सो उसी पोजीशन को डी लैग कहा जाता है. ठीक है, सो आप बेसिकली यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ पोजीशनिंग जो है वी है. ठीक है, थोड़ी सी मतलब हल्की है, बट वी है. आपको भी वही चीज़ करना है. और स्पॉटिंग, यहाँ पर स्पॉटिंग देखो, जिस डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में पोजीशन है. बट मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप इंस्टेड ऑफ दैट दिस आप अपने लेग्स को ही देखो. ठीक है, उससे क्या होगा कि वी शेप अच्छा मेंटेन होगा. मेक श्योर गाइस कि वाइल यू आर डूइंग और मेंटेनिंग दिस शेप, कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है. लेग्स आपके स्ट्रेट हो जाएंगे, बट मेन चीज़ क्या होती है कि कोर इंगेज करना है. ठीक है, और जो आपका ग्लूट्स वाला एरिया है ना, हिप वाला एरिया, उसको भी इंगेज करना है. मींस कि दोनों को टाइट करना है. ठीक है, जिससे कि आपको एयर में जाके एक सेक्सी सा शेप मिले डी लेग का, और काफ़ी ही शार्प शेप होगा वो इन सब चीज़ों से. ये मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, इट मे हेल्प यू एनी हाउ आई थिंक. सो ट्राई करना, और हो जाए तो कमेंट कर देना. नाउ द लास्ट पार्ट, लैंडिंग बट नॉट लीस्ट. सो लैंडिंग पर चलते हैं हम. एट दिस पॉइंट गाइज,
आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली ग्राउंड को स्पॉट करना है एंड देन मेक श्योर कि जब आप लैंड करो तो उस टाइम आपके लेग्स एकदम टाइट ना हो और स्ट्रेट ना हो, क्योंकि उससे फिर या तो नी इंजरी हो जाएगी या तो एंकल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ मेक श्योर कि आपके लेग्स जब आप लैंड करो तो हल्के से बेंड कर लेना नीज को, कि जो भी प्रेशर हो वो सारा आपका बॉडी का लेग्स के थ्रू आपका ग्राउंड पर आ जाए सेफली। सो बस यही था वीडियो। सो आपको एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा, और अगर आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सो वीडियो में कमेंट कर देना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वी विल बैक विथ सम मोर एनालिसिस, सो उसके लिए भी फीडबैक कर देना।